बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। और डीसी फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 2, प्रैक्टिकल सेंसर्स एंड नेटवर्क्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड पावर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर? क्या डिफरेंस है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी की वो सलाहियत कि वो कितना काम कर सकती है उसको उसकी एनर्जी कहते हैं सिंपल वर्ड्स। जबकि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कौन सी बॉडी कितने टाइम में कितना काम कर लेती है वो उसकी पावर कहलाती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स, क्योंकि हम ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी एनर्जी एंड पावर की। तो चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द टाइम इट वॉज कंज्यूम्ड। तो एनर्जी बेसिकली पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है, और एनर्जी को हम लोग इट शुड बी जाऊ तो एनर्जी को हम लोग जाउल के अंदर डिफाइन करते हैं। द पावर इज़ वाट एंड इट्स द टाइम। तो टोटली जितनी पावर लगी है और जितना टाइम हमारा खर्च हुआ है वो दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी। बेसिकली एनर्जी के अंदर हम टाइम के पाबंद नहीं होते, बट पावर के अंदर हम टाइम के पाबंद होते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पर यूनिट टाइम के अंदर जो काम किया जाता है उसको पावर कहा जाता है। कि एक पावर क्या होती है कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम हुई है, दिस इज कॉल्ड द पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड जाउल। एंड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट एंड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जाउल। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एनर्जी एंड पावर के दरमियान डिफरेंस क्या है और इनका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पावर डेसिपेशन एंड रिजर्व। पावर डेसिपेशन कहते हैं कितनी पावर इस्तेमाल होती है, ये कितनी पावर डेसिपेट ज़ाया होती है रेजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ऑल रेजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द सर्किट हैज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, इट विल डेसिपेट इलेक्ट्रिकल पावर। जितने भी रेजिस्टर्स या पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स वो कहते हैं जो पावर प्रोड्यूस नहीं करते, जो पावर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट्स, फैंस, कैपेसिटर्स, जितने भी ये एलिमेंट्स होती हैं पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम यस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब पावर को इस्तेमाल करते हैं तो इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऑफ कोर्स वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से ही पावर इस्तेमाल होती है। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये कंपोनेंट्स, इनमें से करंट पास होता है। जब करंट पास होता है तो ये कंपोनेंट्स हीटअप होते हैं और पावर डेसीपेट होती है इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जब थोड़ी देर चलती है, आपके पास इवन आप एलईडी ही ले लें या आप कोई फिलामेंट ले लें, तो वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द डेसिपेशन ऑफ दैट पावर। तो पावर का हमारे पास फार्मूला सिंपल जो है, पी इज इक्वल टू वी आई, और पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द एलिमेंट। ठीक है, दैट इज डेसिपेटिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी सर्किट में लगी हुई है और एक रजिस्टर लगा हुआ है 100 वोल्ट का, 100 ओम्स का, सॉरी। तो अब इस रजिस्टर के ऊपर पावर क्या डेसिपेट हो रही है ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस सर्किट का करंट पता होना चाहिए कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा। जब तक करंट का पता नहीं होगा पावर डेसिपेट नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो करंट करंट हमारे पास मौजूद नहीं है, हम फाइंड करते हैं। वोल्टेज का पता है 9 वोल्ट एंड आर इज़ द रेजिस्टेंस 100 ओम। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। 9 वोल्ट डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 90 मिली एम्पेयर। तो 90 मिली एम्पेयर इस टोटल सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है, इस रेजिस्टर के अंदर से भी 90 मिली एम्पेयर ही करंट गुजरेगा। अब द करंट जो है वो 90 मिली एम्पेयर है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 9 वोल्ट। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने आपस में, तो 0.81 वाट। तो रजिस्टर इज़, क्योंकि पावर का यूनिट वाट है, तो आपके पास जो रजिस्टर है वो 0.81 वाट पावर डेसीपेट कर रहा है। आपके पास फिलामेंट बल्ब आते थे, आपने आपको याद होगा कुछ होते थे 100 वाट के, कुछ होते थे 1000 वाट के। तो वो वाटेज होती है उनकी पावर डेसिपेशन कहलाती है। एलईडी लाइट के अंदर 5 वाट, 7 वाट, इनकी पावर डेसिपेशन कम होती है। तो ये सारी की सारी पावर डेसिपेशन कैसे निकलती है? थ्रू द फार्मूला पी इज इक्वल टू वी आई, दिस इज द पावर डेसिपेशन ऑफ द रेजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स दो किस्म के लॉ देता है हमें। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने दो किस्म के हमें लॉज दिए सर्किट्स के हवाले से, सर्किट के अंदर वोल्टेज एंड करंट को फाइंड करने के हवाले से। एक को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किरचॉफ करंट लॉ।
किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड इज जीरो। नोड कहते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वायर्स आकर ज्वाइन हो रही हूँ उसको नोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे सर्किट के अंदर देखें तीन वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स वायर्स हैं, उसमें से तीन इस नोड की तरफ, ये जो एरो जा रहा है ये शो कर रहा है कि द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। तो इस आई वन के अंदर करंट इस नोड की तरफ जा रहा है, आई टू के अंदर इस नोड की तरफ जा रहा है, आई थ्री के अंदर इस नोड की तरफ जा रहा है। अब आई फोर में क्या हो रहा है, करंट बाहर जा रहा है, आई फाइव में भी करंट बाहर की तरफ जा रहा है, आई सिक्स में भी करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है द अलजेब्रिक सम, इन सारे सम्स करंट का सम वो जीरो होना चाहिए इस नोड के ऊपर, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो अलजेब्रिक कम सम क्या होगा, जीरो होगा। जितना आ रहा है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जितना जा रहा है उसको नेगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सम को जीरो बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर द करंट आई वन आई टू एंड आई थ्री आर एंटरिंग द नोड वाइल द करंट आई फोर आई फाइव एंड आई सिक्स आर लीविंग फ्रॉम द नोड। बाई अप्लाइंग केसीएल एट द नोड एज्यूम दैट द एंटरिंग करंट आर पॉजिटिव एंड द लीविंग करंट आर नेगेटिव। आप ये अज्यूम कर दें कि जो ब्लैक वायर्स हैं ये पॉजिटिव करंट है क्योंकि ये एंटर हो रहा है, और रेड वायर्स नेगेटिव करंट है ये जो कि लीव कर रहा है इस नोड को। ठीक है, तो क्या इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री दीज आर द करंट्स प्लस, अब ये नेगेटिव आई फोर नेगेटिव आई फाइव नेगेटिव आई सिक्स इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम शुड बी जीरो। तो हम इसको इजीली डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स, दिस इज ऑल्सो किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो हम बता ही रहे हैं कि जिस नोड के अंदर जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा, या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ द करंट्स एट एनी नोड शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन बनती है किरचॉफ करंट लॉ की, कि किसी नोड के ऊपर जो करंट एंटर हो रहा है वो लीव होने वाले करंट के बराबर होगा। दूसरी डेफिनेशन, किसी नोड के ऊपर सम ऑफ द करंट्स, जितने भी करंट्स एंटर हो रहे हैं या लीव हो रहे हैं उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। ये सर्किट्स को सॉल्व करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि अलजेब्रिक सम यानी कि जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, जितने भी वोल्टेज वो सोर्स इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन सब का सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सोर्स, ये सोर्स लगा हुआ हमारे पास, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इस क्लोज पाथ इस क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। ठीक है, या दूसरा ये कह सकते हैं आप कि जो सोर्स है वो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो इन सब के ऊपर जिनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इन सब की वोल्टेज मिलाकर इस सोर्स की वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो सेकंड डेफिनेशन, कि जो सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन सब की वोल्टेज का सम प्रोवाइडर के बराबर होना चाहिए। दिस इज अ वन डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ वोल्टेज इन द क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सर्किट है, इसमें 10 वोल्ट सप्लाई लगी हुई है, एक एक रजिस्टर आर वन है, एक आर टू एक आर थ्री है। ठीक है, आप थ्रू यूजिंग ओम्स लॉ फाइंड कर सकते हैं कि किसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम हो। ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम थी हमने फाइंड कर लिया, जी यहाँ पर 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट है। अब ये देखिए 4 + 4 + 2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इट शुड बी, जितने भी ये तीन रजिस्टर लगे हुए हैं इनके ऊपर जो वोल्टेज का सम है वो शुड बी 10 वोल्ट होना चाहिए, इट शुड बी 10 वोल्ट। अगर ये नहीं हो रहा तो KVL प्रूफ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि सोर्स 10 वोल्ट दे रहा है तो इस 10 वोल्ट सारे के सारे सर्किट में ही डिवाइड हो रहा है ना, तो सारे के सारे सर्किट के अगर वोल्टेज को प्लस करें तो 10 वोल्ट ही बनना चाहिए। तो वोल्टेज राइज से जो प्रोड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, जो यानी कि जो डेसी कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। 10 वोल्ट इज इक्वल टू 4 + 4 + 2 इज इक्वल टू 10। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द लूप इज जीरो। उसमें ये होता है कि आप इसको नेगेटिव क्लेम करेंगे, इन चारों को पॉजिटिव क्लेम करेंगे, तो +10 और -10 विल बी इक्वल टू जीरो। तो दो लॉस मैंने आपको बताए, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी नोड के अंदर एंटर होने वाला और लीव होने वाला करंट बराबर होता है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द क्लोज पाथ शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आपने इन दोनों की लॉज की प्रैक्टिस भी करनी है, इनके सर्किट्स को भी देखना है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।